परमेश्वर का वचन में हम लोग जाएंगे और प्रभु का वचन को हम लोग सुनेंगे। प्रेरितों के काम निकालेंगे उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम 5 अध्याय। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और कोई जो जल्दी से पढ़ने वाले हैं पवित्र शास्त्र वो पढ़ने में उनको मदद करेंगे। प्रभु का वचन को पढ़ने में मदद करेंगे। प्रेरितों का 5 का 17 वचन से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे, 17 से लेकर के 32 तक अमित पढ़ करके अगुवाई करेंगे। उधर पुना पुना जी उसको दे दीजिएगा, हाँ उनको अमित को पढ़ने में धन्यवाद। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किए और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुआ पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई नहीं मिला। जब मंदिर में सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार यादव के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों ने परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु के नाम की महिमा मिले। हम लोग इसका पूरा बाद में पढ़ेंगे, वहां से लेकर 42 तक। आइए हम इस वचन से हम लोग का विश्वास करते हैं कि प्रभु हम लोगों से कुछ बातचीत करने के लिए चाह रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने देखे थे, इससे पिछले जो सप्ताह था उसमें हम लोग 4 अध्याय में हम लोग थे और प्रेरितों का 4 अध्याय का 1 से लेकर के आगे की ओर हम लोग पढ़े थे और वहां पर भी हम लोग यही चीज को देख रहे थे कि पतरस और यूहन्ना के बारे में ये दोनों जो हैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है और प्रभु यीशु के साथ रहते थे और प्रभु के साथ ये जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया तो ये पवित्र आत्मा से भर करके ये सेवा करने लगा, प्रभु की महिमा करने लगे। और जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया 3,000 लोगों ने मन फिराया। दूसरी बार जब प्रभु पतरस ने जब महासभा में सौंपने से पहले जब प्रचार किया उन्होंने 5,000 लोगों ने मन फिराया। उसके आगे हम लोग जब देखते हैं तो 4 अध्याय में तो वहां पर भी पतरस और यूहन्ना को बंदी गृह में डाला गया। वहां पर भी पतरस और यूहन्ना को भी उस जगह में उसको भी ताटा मिला और सभा के बीच में खड़ा किया
धमकी देकर के बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जब वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर भी उसको भी बाहर निकाला, उसको धमकी दिया, बहुत से ताना दिया और उसको चेताया कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार इधर नहीं करना, क्योंकि ये मत हमारे लिए नहीं है, ये मत हम लोग नहीं मानते हैं। तुम नया मत लेकर के आए हो, नया मत का लेकर तुम प्रचार करते हो। जो यीशु मसीह के बारे में तुम प्रचार कर रहे हो वो यीशु मसीह का लहू तो हम तो हमारे गर्दन पर रखना चाहते हो, इसलिए उसके नाम का प्रचार नहीं करना। ऐसे करके उनको चार अध्याय में समझाया था और समझा कर उसको बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन जहाँ पांच अध्याय जब आते हैं तो पांच अध्याय आते हैं तो पांच अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पतरस और योहन्ना और शिष्य लोग, प्रेरित लोग, ये लोग परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए रुका नहीं, आगे और बढ़ता चला गया। ये लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर का अभिषेक इनके ऊपर थे और प्रभु यीशु मसीह इनको चला रहे थे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ये लोग आगे और बढ़ रहा था और परमेश्वर का राज के बारे में प्रचार करते जा रहा था। जब हम चार का लास्ट भाग में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसका फीडबैक जो हम देखते हैं तो वहां पर लिखा कि विश्वासी लोग जो थे वो सब लोग एक साथ रहते थे। जो लोग अपनी अपनी कमाई का दसवां हिस्सा ला करके प्रेरितों के पांव पर रखते थे और वो सब साझे का था, उसमें कोई दरिद्र नहीं था, उसमें कोई गरीब नहीं था। जिसको जो जरूरत पड़ते थे उसमें से लेते थे, लेकर जा करके प्रभु का सेवा करने के लिए आगे और बढ़ते चले जाते थे। और उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो एक परिवार के बारे में देखते हैं जिसका नाम वहां पर लिखा हुआ हनन्याह है और सफीरा है। हनन्याह और सफीरा एक परिवार है, एक पति पत्नी है। इन्होंने क्या किया, उस जमीन को, अपना जमीन जो था उसको बेचा। बेचने के बाद इन्होंने क्या किया, उसका दशमांश निकाला, कुछ दशमांश छुपा लिया और कुछ लेकर के प्रेतों को पांव पास लिखाया। और वहां पे जब पास लिखाया उन्होंने बोला कि ये मेरा दशमांश है, मैं जो जमीन बचा हूँ उसका पूरा का पूरा दशमांश लेकर के मैं आपके भवन आपके पास लिखाया हूँ। जैसे वो लिखाया तो वहां पे देखा कि हनन्याह और सफीरा ये दोनों जो परिवार था, हनन्याह जैसे उसको दे रहा है तो वो क्या किया था कि कुछ दशमांश लेकर आया, लेकिन कुछ लोभ और लालच के चलते अपनी कमाई का दशमांश रख लिया गया था। और वो जब जैसे उसके पैर पर देते हैं तो पवित्र आत्मा ने पतरस को अगुवाई किया और पतरस ने उसको बोला, क्या तुमने अपने दशमांश का पूरा भाग लेकर आए हो? वो बोला कि जी हाँ लेकर आए हैं। लेकिन उन्होंने झूठ बोला, झूठ बोलते ही उन्होंने बोला कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने पूरा दशमांश लेकर के नहीं आए हो। ऐसे बोलने के बाद उसको क्या, उसका मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसको क्या किया, ले जा करके उस वहां पे विश्वासी लोगों ने ले गया और जाकर उसको दफनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पत्नी सफीरा भी आया, आकर के उसको मालूम नहीं था कि मेरे पति मर चुका है, मेरे पति ने झूठ बोला है और उसको मालूम नहीं था। लेकिन वो आकर के आया तो उसको पतरस ने, प्रेरित लोगों ने उसको पूछा, क्या तुमने जो दशमांश लाया था वो पूरा का पूरा दशमांश लिखाए हुए थे? वो पैसे के बारे में बोल रहा है पतरस। वहां प्रेरित लोगों ने बोला कि जब जैसे तेरे पति भी झूठ बोला तू भी झूठ बोलती है पवित्र आत्मा से। जैसे बोला वो पैर पर गिरा और गिरने के बाद उसका भी प्राण चला गया, उसको भी ले जा करके वहां पे वो आकर के उसको भी दफनाया। इसका मतलब है कि वहां भी वो लोग आत्मा से भरा हुआ लोग थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लोगों के ऊपर काज करते थे और वो लोग इधर उधर के बातें नहीं करते थे, दाएं बाएं के बारे में बात नहीं करते थे। वो लोग जो भी बात करता था परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा से भर करके परमेश्वर का कार्य को करते थे और प्रभु के सुसमाचार को आगे बांटते रहते थे। ये लोग आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, ये लोग साधारण लोग तो थे, अनपढ़ लोग तो थे, लेकिन आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे उसका पति को गार करके दरवाजा पाया, उसके बाद इसका पत्नी भी वो भी अपने दम तोड़ दिया, उसका प्रेतों का पांव पर गिर करके और उसको भी क्या किया, जाकर दफनाया। एक करने के बाद वहां पे जितने भी और विश्वासी लोग थे सबको पर भय आ गया, परमेश्वर का
सब डर गए और डरने के बाद सब लोग ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चलने लगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा मिले। उसके बाद उसके बाद जब 5 अध्याय हम लोग जब जाते हैं, उसके बाद 12 से लेकर आगे जब देखते हैं तो 12 से लेकर के हम लोग जब 16 वचन तक जब देखते हैं तो वहां पे ऐसा है कि प्रेतों के हाथों से परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के कार्य करते थे। जो वहां पे जो प्रेत लोग वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शिष्य लोग हैं, ये लोग प्रेरित कहला गया और ये लोगों के द्वारा परमेश्वर बड़ा चमत्कार का कार्य कर रहा है। वहां पे डंगरा चल रहा है, अंधा देख रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, जितनी भी बीमारी लोग आते थे वो लोग क्या करते थे रास्ता में रोड पे उसको क्या करते थे उसको खटिया पर सुला दिया जाता था। अगर वहां से प्रेरित लोग निकालते थे जब पतरस और उनके साथ उनके सहकर्मी लोग निकलते थे और उसका छाया उसके ऊपर पड़ता था बीमारी के व्यक्ति के ऊपर में, वो बीमारी व्यक्ति वहां से चंगाई को प्राप्त करते थे और वो लोग खटिया को छोड़ के खड़ा हो जाते थे। ऐसे वहां पर चमत्कार का कार्य होते थे और वहां से कलीसिया परमेश्वर के लोग बढ़ने लगे और विश्वासी लोग सामर्थ्य होकर के प्रभु आगे की ओर जाने लगा। बोलिए यीशु मसीह की वैसे करके वहां भी कलीसिया आगे बढ़ा है। आज मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास क्या प्रभु की आग है, क्या आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्या आपके पास प्रभु के घर में जाने के लिए आपके पास समय है? अगर नहीं है तो ये अपना समय आप नियुक्त करें और प्रभु के घर का प्यासा हो जाए, परमेश्वर का परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और उसके आगे तो हम लोग देखते हैं अनन्या और सफीरा का कहानी समाप्त होने के बाद आगे और जब जाते हैं 17 वचन से जब जाते हैं उस जगह में भी देखते हैं कि महायाजक लोगों का एक गठन हुआ है। वहां भी महायाजक लोग बैठे हैं और वो लोग सब इकट्ठा हुआ। ये लोग शुद्ध की पंथ को मानने वाले लोग थे, शुद्ध की थे, शुद्ध की का मतलब थे ये लोग व्यवस्था व्यवस्थापक थे, ये लोग व्यवस्था को बनाने वाला लोग थे, ये लोग कानून को बनाने वाले लोग थे। और ये लोग कानून को तो बनाते थे, व्यवस्था को तो बनाते थे, खुद उस पर नहीं चलता था ये लोग दूसरे के लिए कानून बनाते थे, तीसरे के लिए कानून बनाते थे, लेकिन उस कानून को अपने जीवन में लागू नहीं करते थे। उसमें से एक और है जो पौलुस का गुरु था गमलियल, और वहां जो गमलियल जो थे ये पौलुस का गुरु था, जहां पे साउल पौलुस बना और साउल थे, साउल क्या करते थे, गमलियल जो है ये व्यवस्थापक है, ये व्यवस्थापक एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और ये क्या करते थे इसके चरणों में बैठ करके। और साउल ने क्या किया था, उसका धर्मगुरु का शिक्षा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था। हालेलुया, आज उसे वहां पर हम लोग जाते हैं तो वो लोग भी उसमें शामिल है, लेकिन ये लोग समाज में बुलाया और इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद प्रेरित लोगों को क्या किया, बंदी गिरी में बंद कर दिया गया। और जब बंदी गिरी में कारागार में जब डाला गया तो उसमें उसको बड़े चौकसी के साथ उसमें डाला, उसने पहरेदार लगाया उस पर। क्या किया वो लोगों ने, वहां पे बहुत सारे लोगों को ड्यूटी लगाया ये बाहर ना निकलने पाए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है 19 अध्याय में जब ये लोग रात हो गया वहां बंदीगिरी में बंद था, वहां पर प्रेरित लोग बंद थे, तो स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने क्या किया, सभी दरवाजा को खोल दिया और प्रेरित लोगों को बाहर लेके गया और बोला कि तुम जाकर के मंदिर में प्रचार करो। हालेलुया, आप देखिए स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने आकर के क्या किया, बंदीगिरी का दरवाजा खोल दिया और खोलने के बाद प्रेरित लोगों को बाहर लेके गया और ले जाकर के बोला मंदिर में जाकर के तुम प्रचार करो, उस जीवन के बारे में बताओ जो प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आकर के कैसे मारा, और यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह ने जो खून बहाया, यीशु मसीह ने जो हम सबको बचाने के लिए अपनी जान दी, वो यीशु मसीह के बारे में बताओ कि यीशु मसीह मारने के बाद जिंदा हो गया, वो जीवित परमेश्वर है, उस पर मान पिराओ और विश्वास करो। ऐसे करके प्रेरित लोगों ने क्या किया, मंदिर में जाकर प्रचार करने लगा। हालेलुया, जितने ऑनलाइन में हैं सबको जय मसीह, प्रभु आपको बहुत आशीष करें। ये लोग वहां पर जाकर प्रचार करने लगे। उसके बाद भी महायाजक लोग
ये लोग भीड़ से इकट्ठा हुआ, ये लोग का टेंशन बढ़ चुका है, ये लोग चिंता में हैं, मेरा पंथ खत्म हो जाएगा, हम लोग व्यवस्थापक हैं, हम लोग व्यवस्था को बनाने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को बनाने वाले लोग हैं कि आप प्रभु के साथ में कैसे चलेंगे, आप परमेश्वर को कैसे आराधना करेंगे। ये लोग बनाता था लेकिन ये लोग मानते नहीं थे। उसके आगे अगर हम 24-21 वचन को हम लोग देखते हैं, फिर से ये लोगों ने क्या किया, महायाजक के लोगों ने, ये लोगों ने इकट्ठा हुआ, जब इकट्ठा होकर के इकट्ठा हुआ तो मूल के बारे में पता करने लगा वो व्यक्ति कहाँ है। बोला कि वहां पे बंदीगिरी में नहीं है, बंदीगिरी में नहीं है। तो बंदीगिरी का जो हाकिम लोग थे, वहां के जो सिपाही लोग थे, उन्होंने आकर उसको रिपोर्ट दे रहा है, रिपोर्ट ये दे रहा है कि हम लोगों ने उसको पीछे वाला दरवाजा बंद करके, दरवाजा बंद किए, आगे का दरवाजा बंद कर दिए, सबसे लास्ट वाला कोठी में रखे थे, लेकिन ये लोग कैसे निकल गए यहाँ से हमको मालूम नहीं है, कैसे दरवाजा खुल गया हमको मालूम नहीं है। ये लोग आकर के महाराजा के लोगों को रिपोर्ट दे रहा है, कैसे निकल गया मालूम नहीं है। और ये व्यक्ति कहाँ है, कुछ लोगों ने आकर के बोला कि ये तो जा करके मंदिर में उपदेश दे रहा है। क्या कर रहा है उपदेश, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है। कहाँ, मंदिर में। ये लोग जेल में नहीं है, कारागार में नहीं है, वहां पे स्वर्गदूत ने इसको उठा के लेके चला गया है और जाकर के क्या कर रहा है, वहां पे उपदेश दे रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा मिले। अब ये लोग का टेंशन और ज्यादा बढ़ चुका है, ये लोग का चिंता और सताने लगा है कि अब इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे शांत किया जाए। ये तो रुकना रुकना ही नहीं है, लेकिन फिर से इसको बुलाया और बुला करके वहां पे लाया और सबके सामने उसको खड़ा किया। और 24 वचन कहता है, 24 वचन का पढ़िए क्या लिखा है। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उसके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। आप, ये लोग भारी चिंता में पड़ा हुआ है, ये लोग उसको रोकने का कोशिश कर रहा है, ये लोग संसारिक लोग हैं, अंधकार की शक्ति ने इनके ऊपर काट कर रहा है, दुष्ट के ताकत ने काट कर रहा है। ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग अपनी पूरी ताकत लगा चुका है, ये लोगों को रोकना है, लेकिन वो लोगों को कौन चला रहे थे, वो साधारण लोगों को कौन चला रहे थे, साधारण लोगों को कौन चला रहे थे, बोलिए ना। प्रभु यीशु मसीह का साधारण लोग थे, शीर्ष लोग को कौन चला रहे थे, कोई नहीं सुन रहा। प्रभु यीशु मसीह का शीर्ष लोगों को कौन चला रहे थे, पवित्र आत्मा चला रहा था, उसको पवित्र आत्मा गाइड कर रही थी, स्वर्गदूत उसको अगुवाई कर रहे थे, स्वर्गदूत ने दरवाजा खोला। क्या हम लोग यही बैठे हैं, हम लोग सब लोग यही हैं, तो सोना नहीं है, बहुत कीमती वचन है, ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए भी है। ये क्या है कि या नहीं तो मेरे शब्द में सब गड़बड़ी है, या नहीं तो हम सही से नहीं बोल पा रहे हैं, या आप मेरे बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई ऊपर गड़बड़ी होगा, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या आपका दिमाग कहीं और होगा, इसलिए शायद आप नहीं सुन पा रहे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये लोग साधारण लोग है। कौन है साधारण लोग, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य लोग। ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये लोग अनपढ़ लोग हैं, ये लोग मछली पकड़ने वाले लोग थे, ये लोग बिल्कुल साधारण लोग हैं, ये लोग ज्यादा पढ़ा क्या बोलते हैं, पढ़ा लिखा लोग नहीं है, ये लोग मामूली लोग हैं, लेकिन इसके अंदर जो है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो वादा किया था कि मैं तुम्हारे एक सहायक भेजूंगा और वो तुम्हें अगुवाई करेंगे, वही एक सहायक को जो बोला था, वही पवित्र आत्मा इनको अगुवाई कर रहा, पवित्र आत्मा को सामर्थ्य दे रहा है। बोलिए यीशु मसीह की, आप देखिए पवित्र आत्मा जब इसको सामर्थ्य दे रहे हैं यीशु मसीह को, अब कौन अगुवाई कर रहे थे, बच्चा हुआ तो मरियम को, स्वर्गदूत, स्वर्गदूत ने क्या बोला कि जब तक हेरोद देश राजा यहाँ पे है, यीशु मसीह को मिस्र लेकर चले जाओ, बच्चे को लेकर कहाँ चले जाओ, मिस्र को ले जाओ। उसका अगुवाई कौन किया था, स्वर्गदूत किया था। ये चेले लोगों को कौन अगुवाई कर रहा है, स्वर्गदूत कर रहा है। अगर हम लोग प्रभु के साथ चलेंगे, यीशु मसीह को आदर देंगे, यीशु मसीह को सम्मान देंगे, आपको अगुवाई करने वाला स्वर्ग से स्वर्गदूत आएंगे और वो आपको अगुवाई करेंगे और पवित्र आत्मा आपको लेकर चलेंगे, पवित्र आत्मा खुद अपना जीवन
तुम्हें आने अगुवाई करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर भी प्रेरित लोगों को पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। ये लोग क्या क्या कर रहा है? लोग सुसमाचार प्रचार कर रहा है। कैंसर किसका बड़ा हुआ है? सरदार लोगों का, धर्म गुरु लोगों का क्या हुआ? कैंसर बड़ा हुआ है। इसको कैसे रोकेंगे? मेरे लोग, हम लोग साधारण जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर है, हम विश्वास करते हैं। आप साधारण जरूर हैं, आपके ऊपर प्रभु की आत्मा है। आप साधारण जरूर हैं, लेकिन आपके साथ पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। जब ये पवित्र आत्मा कार्य करने लगते हैं ना, बड़े बड़े का दिमाग घूम जाता है। हालेलुया। बड़े बड़े लोग कांपने लगते हैं, लोग सब कांप रहा है, इसको कैसे रोका जाए? ये लोग पूरी ताकत लगाया गया है, लगा दिया है, बंदीगिरी में डाला है, बंदीगिरी से बाहर आया, फिर अपने पास बुलाया, वहां पे खड़ा किया, खड़ा करके उससे सवाल पूछ रहा है, तुमको मैं तो मना किया था, तुम इधर जा करके तू सुसमाचार नहीं प्रचार करना, यीशु के बारे में नहीं बताना, तुमने मेरे बात को नहीं माना, पूरे यरूशलेम में तूने अपने परमेश्वर की वजह से तू फट दिया है, तूने ऐसा काम क्यों किया? 26 वचन को क्या लिखा है, पढ़िएगा थोड़ा सा। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव। अब देखिए, ये लोग डरा हुआ लोग थे। कौन? महायाजक लोग, ये बड़े बड़े पुरोहित लोग हैं। ये लोग डरा हुआ लोग हैं कि अगर इसको हम जबरदस्ती मारे आएंगे तो लोग हमारे पर पथरवा करेंगे, हम लोग हमको मारेंगे, क्योंकि सभी लोग अब इन लोगों को पसंद कर रहा है। किसको पसंद कर रहे हैं? साधारण लोग को। साधारण लोग कौन है? प्रेरित लोग है, पतरस है, योहना है, उसका साथ में और लोग है, ये लोग साधारण लोग है, अब सभी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इन लोगों को छोड़ रहा है, इन लोगों को बैकस्लाइड कर रहा है, इसको बाय बाय बोल रहा, चले जाइए, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आप बोलते तो है, करते नहीं है। आप जो बोलते हैं कानून बनाते हैं, हमारे लिए बनाते, आप अपने लिए कानून नहीं बनाते, आप जाइए। मनुष्य परमेश्वर की आत्मा लोगों का मन उभार रहा है और लोग यीशु की ओर भाग रहे हैं, साधारण लोगों की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, ये लोगों को टेंशन बढ़ चुका है। 27-28 पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिता कर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही। आप देखिए, ये क्या बोल रहे हैं? मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर के हम प्रभु की आज्ञा को पालन करना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग को नाक में दम फंसा हुआ है। ये लोग बोलता, तूने मेरे बात नहीं माना, तूने पूरा यरूशलेम को उनके उपदेश से भर दिया। किसका उपदेश से? प्रभु यीशु मसीह का उपदेश से। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर का पूरा यरूशलेम में तुमने भर दिया है। ये लोगों ने प्रभु का वचन को प्रचार किया, ये लोगों ने प्रभु के बारे में बताया, और बताने का बहुत सर लोगों ने यीशु पर विश्वास करने लगे। इनका चिंता बढ़ गया और इन लोगों को रोकने का कोशिश कर रहा है वो लोगों ने इसको काफी कोशिश कर रहा रोकने के लिए, लेकिन ये लोग और साहस के साथ प्रभु के वचन को बांट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आगे जाएंगे 33 वचन से जब पढ़ेंगे, फिर ये लोग क्या किया वहां से, जब 33 वचन से आगे जब पढ़ेंगे तो ये लोग क्या किया, प्रेरित लोग को अलग लेके गया। फिर से ये लोगों ने अपना मीटिंग शुरू किया। मीटिंग में गमालिया नाम का जो व्यक्ति था, जो व्यवस्थापक था, इन्होंने उन लोगों को समझाने लगा कि देखो, अगर ये मनुष्य की ओर से ये होगा तो ये रुक जाएगा, अगर परमेश्वर की ओर से होगा तो इसको तुम रोक नहीं पाओगे। ये क्या बोल रहे हैं? जो मनुष्य की ओर से है, जो मनुष्य की ओर से है वो रुक जाएंगे, जो परमेश्वर की ओर से है उसको तुम कभी भी इसको
रोक नहीं पाओगे। 38 वचन में लिखा हुआ है, 38 अगर पढ़ेंगे, 38 और 39 को जब पढ़ेंगे उसमें एक बात लिखा हुआ है कि अगर ये लोग, अगर जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, जिसके बारे में बता रहा है, जिस व्यक्ति को आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के कलवारी पुष्प चढ़ाया था, वो सच में अगर परमेश्वर होगा, सच में उद्धारकर्ता है जिसका प्रचार ये लोग कर रहा है, अगर वो प्रभु की ओर से है, परमात्मा की ओर से है, अगर स्वर्ग से है, तो वो सुसमाचार को आप लोग नहीं रोक पाएंगे। अगर वो मनुष्य की ओर से होगा, कोई साधारण मनुष्य कलवारी पुष्प मारा होगा, अगर कोई पापी मारा होगा तो वो रुक जाएगा। अगर खुद प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर मारा होगा, जो आने वाला था, जो भविष्यवक्ता लोगों ने जो भविष्यवाणी किया था, अगर सच में अगर वही होगा, अगर मार दिया वही मारा होगा, तो उसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे। वो सुसमाचार फैलते चला जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होगा, तो नहीं रोक पाओगे। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्थापक ने उनको ये बात सलाह दी। और उसके आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं, 40 वचन से पढ़ दीजिए क्या लिखा है। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। क्या होकर के आनंदित होकर? अरे मारे का तो लोग आनंदित होगा नहीं, अगर हम लोग मारे का तो आनंदित होंगे क्या? विकास क्या कीजिएगा अगर मारेगा तो? कौन वाला क्या कीजिएगा? रोते रहेंगे ना, आनंदित होंगे क्या? खुशी मनाएंगे? सबके सामने हमको मारा, मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? इन लोगों ने मारा है, अंदर में कुछ न कुछ हलचल मचने लगता है ना, कुछ न कुछ गड़बड़ी होने लगती है अंदर, है ना, कुछ न कुछ होने लगता है। हमको क्यों मारा? ये लोग पूरा आनंदित थे, मारा भी तो फिर भी आनंदित है ये लोग। क्यों आनंदित है? आप आगे इसको बताते, आगे पढ़िए क्या लिखा है। कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह न रुके। अब देखिए, ये लोग बोला कि हम तो किसी न किसी बहाने से, ये लोग जो मारा है, हम तो किसी न किसी तरह से, किसी तरह अपमान तो हुए। अब देखिए ये लोग के अंदर क्या है, हम अपमान हुए हैं। एक बड़ी खुशी की बात है, हम अपमान हुए। किसके अपमान हुए? किसका काम कर रहा था ये? प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे थे, यीशु का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। हम छोटा सा अपमान हुए, ये लोग बहुत आनंद हो गया, बड़ी खुशी हो गया। उसका शरीर से जब मांस कट कट के गिर रहा था और उसका शरीर से जो वस्त्र को निकाल लिया गया था, उस चीज को, दर्द को वो देख रहा था कि हमको तो छोटा सा दर्द मिला, मेरा स्वामी तो कहीं पाप नहीं किया, मेरा स्वामी तो कहीं गलत काम नहीं किया, मेरा स्वामी तो किसी पर दोष नहीं लगाया, मेरे स्वामी तो नंगरा को ठीक किया, मेरा स्वामी तो बहरा को भी ठीक किया, मेरा स्वामी तो मुर्दा को भी जिंदा किया, मेरा स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने तो कोढ़िया को भी काया दिया, मेरा स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को भी शांत की और पानी को भी दाखरस बना दिया, और वो तो कहीं भी कोई पाप नहीं किया, फिर भी उन्होंने इतना दुख सहा, इतना रो, इतना उन्होंने वहां पे तड़ना सहा, लेकिन वो तो पूरे तड़ना सहाने के बाद
करने लगा और ये लोग खुशी के साथ परमेश्वर का आराधना करने लगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। क्योंकि ये यीशु मसीह को देखा था कि मेरा यीशु कहीं पाप नहीं किया है। आज हम लोग वही वचन को हम लोग देखते हैं, मेरा यीशु कहीं पाप नहीं किया है। हम वचन पर विश्वास करते हैं, मेरा यीशु कहीं पाप नहीं किया है। इसके अंदर इतना बड़ा विश्वास था। थोड़ा सा अपमान तो साले हुआ, थोड़ा सा अपमान हुआ तो लोग और आनंदित हो गए। ये लोग पीछे नहीं हटा, पीछे नहीं मुड़ा और आनंद हो गया। अरे थोड़ा सा अपमान तो हमको हुआ ना प्रभु के लिए। आप सोचिए थोड़ा सा अपमान हुआ है और ये लोग, यानी कि ये लोग मरने के लिए तैयार है, ये लोग मरने के लिए तैयार है, ये लोग मरने के लिए तैयार है। ये थोड़ा सा अपमानित हुआ है, आनंद हो गया, खुशी हो गया, इसका मतलब है ये लोग मरने के लिए तैयार है। मैं यीशु के लिए मरूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। जब पतरस को मार रहा था तो पतरस ने बोला, मुझे सीधा क्यों लटकाते हो, मुझे उल्टा लटका दो। हालेलुया, क्या बोला उसको पतरस ने, क्या बोला उन लोगों को, मैं इस योग नहीं हूं कि आप इस कलवरी क्रूस पर मुझे सीधा लटकाओ। सीधा तो मेरा यीशु मसीह चढ़ा था, मुझे उल्टा लटका दो। हालेलुया, इतनी साहस, इतनी हिम्मत, इतनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसका जीवन में, उसके जीवन में वो आनंद से भरा हुआ जीवन था। मैं समझता हूँ जब ये पतरस को कलवरी क्रूस पर जिस क्रूस पर यीशु मसीह को टांगा गया था और दूसरा क्रूस पर जब पतरस को मारने की तैयारी कर रहा था, तो पतरस को तो मारता होगा लेकिन पतरस को चोट नहीं लगता होगा, पतरस को तो लहू बहाता होगा लेकिन उसको दर्द नहीं होता होगा, क्योंकि वो आनंदित थे प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ये लोगों ने सेवा शुरू किया और आज देखिए परमेश्वर की आत्मा ने वही से जब शुरू हुआ पूरे दुनिया में फैल चुका है। और प्रभु का वचन कहता है, मैं आज और कल युगानु एक साथ आने वाला मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए आज मेरे लोग आपके पास एक आनंद होना चाहिए, आपको खुशी होना चाहिए कि हमारे अंदर में यीशु रहता है, मेरे घर में यीशु रहता है, मेरे साथ पवित्र आत्मा रहता है। मुझे मनुष्य कुछ भी करे, कितनों भी हम सताए जाए, लेकिन हम तो थोड़ा सा अपमान तो सहे, ये मेरे लिए खुश नसीब हो कि थोड़ा सा दुख सहे, इससे और आप खुशी मनाना, आनंद मनाना और प्रभु की महिमा करना, परमेश्वर उससे बड़ा और आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, मैं जो यीशु को खोजता है यीशु मसीह उनको भी खोजता है, जो यीशु के पास जाता है यीशु भी उनके पास जाता है। यीशु मसीह ने वहां पे अपने लोगों से भी प्रसन्न होते हैं, जब हम आपको जब किसी ने कोई अपमान करता है तो आप निराश ना हो, आपको ये समझ लेना चाहिए मेरा यीशु के नाम के चलते मेरा अपमान हुआ, इसलिए मुझे और बड़ा प्रतिफल मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम के महिमा मिले। बोलिए यीशु मसीह की। आज हम लोगों ने प्रेरित और काम से कुछ बातों को सीख रहे थे, उनके शरीर से सामर्थ्य निकलता था और उसका छाया, उसकी छाया जब रोड पर चलते थे उसका छाया अगर जिसके ऊपर पड़ जाता था वो व्यक्ति चंगाई हो जाते थे, क्योंकि हॉल में बीमारियों को रखने का जगह नहीं होते थे, इतने बड़ा लोग जमा होने लगा, इसलिए उसका लोग क्या करते थे, जब पतरस और यूहन्ना उसका प्रेरित लोग जब रोड पर चलते थे वो सामर्थ निकलता था और लोग चंगाई होते चले जाते थे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के महिमा मिले। आप लोग आत्मा से अगर भरे हैं तो आप अपने गांव में चलेंगे, अपने घर में चलेंगे, आपके अंदर से सामर्थ निकलेगा और वहां पर शैतानी बंधन टूटेगी। वहां मैं विश्वास करता हूँ दोष की शक्ति भागेगा, हर एक अंधकार में शक्ति जाएगा, चाहे जादू टोना हो, चाहे कई प्रकार की शक्ति हो, यीशु मसीह का नाम में जाएगा, आपके शरीर से सामर्थ निकलेंगे और परमेश्वर देव कार्ड वहां पर बढ़ता चला जाएगा, प्रभु के राज बढ़ते चले जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे ये तो साधारण व्यक्ति है, ये इतना ताकत इसके अंदर कैसे आ गया, आपको ताकत देने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अकेला नहीं है, आपके साथ कौन है, प्रभु यीशु मसीह है।
आप अकेला नहीं, आपके साथ पवित्र आत्मा है। आप अकेला नहीं जा रहे हैं, आपका साथ कौन चल रहा है? पवित्र आत्मा चल रहा है, सहायक चल रहा है। आपका अगुवाई कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहे हैं। अगर आपसे गलती होते हैं तो क्या आप खुशी मनाते हैं? क्या करते हैं? प्रकाश से थोड़ा सा गलती होता तो क्या करते हैं? बड़का गलती हो गया, उससे बड़ा पाप करते हैं, अपना प्रभु नजर में क्षमा मांगते हैं ना? पूजा में क्या करते हैं? क्यों मांगते हैं क्षमा? किसके सामने? प्रभु के सामने। में दुनिया के लोग उसको किस तरह से देखता है? अगर आप चुक गए, मैं तो उसको एक बार भी चुका नहीं। दुनिया के लोग यही बोलते हैं ना, मेरे डर से तो हवा हो गया, मेरे डर से तो कांपने लगा है, क्या औकात है उसको मेरे सामने खड़ा होने का? ये दुनिया के लोग बोलते हैं ना। दुनिया का मतलब वो जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। दुनिया का मतलब जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, और जिसके अंदर प्रेम है उसको ये बात नहीं बोलेंगे। अपने गलतियों को एहसास करके हमसे गलती हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हम सबके लिए वचन है ना। जिसके अंदर प्रभु का प्यार है, ईश्वर का प्यार है, वो इस बात को नहीं बोल सकते। हमसे गलती हुआ, फलना व्यक्ति को मैंने ऐसे बोल दिया, मैं उसके साथ जाकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। हम माफी मांग के जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है दूसरा का बढ़ोतरी देखना चाहता है, दूसरा को आशीषित देखना चाहता है। ये उसका काम, पवित्र आत्मा का चीन है। परमेश्वर के संग आशीष करें। आइए हम लोग एक बार अपनी जगह में खड़े हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, महिमा का योग है, महान है परमेश्वर, राजाओं का राजा। हालेलुया, आइए हम लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आज हम लोग प्रभु की वचन को सुने, प्रेरितों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह चमत्कार का काम करते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार के काम करते थे। जेल से बाहर को निकाल दिया जाता था, उसको स्वर्गदूत आकर के हर एक गेट को खोल दिया जाता था, और स्वर्गदूत उसको बाहर लेके चले जाते थे ताकि मेरे बारे में पता। क्या स्वर्गदूत इस वचन को प्रचार नहीं कर पाता था? क्या स्वर्गदूत को उसका क्या जरूरत था? परमेश्वर को क्या जरूरत था यीशु मसीह को स्वर्गदूत को भेजने के लिए कि तुम जाओ मेरे दास, मेरे सेवक बंदी गिरी में है, उनको खोल के लेकर आओ और जाकर उसको बोलो प्रचार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये काज स्वर्गदूत नहीं कर सकते थे? जी नहीं, नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आकर काम सबके लिए मारा, मनुष्य के लिए मारा, ताकि मनुष्य पाप से छुटकारा पाए, और अपने शिष्य को इसलिए चुना ताकि वो प्रभु के बारे में गवाही दे, यीशु के बारे में गवाही दे, और लोगों को बताएं कि आपका एक उद्धारकर्ता है, सृष्टि करता है, और वो हम सब के पाप के लिए मर करके जी उठा है। हालेलुया, वो हमें शांति देने के लाया, आनंद देने के लाया, खुशी देने के लाया है, हमारे साथ सदा रहने के लिए आया है। वो परमेश्वर हमें आनंदित देखना चाहता है, इसलिए उसका सुसमाचार बोला जाके प्रचार करो। प्रभु के महिमा में ले, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो आपने दिया प्रभु। ये वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण है प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन के द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, या उपस्थित आपके लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह जितने लोग वचन को सुने प्रभु जी, उनके अंदर एक विश्वास वो उमड़ता हुआ आ जाए कि मुझे प्रभु ने चुना, और पवित्र आत्मा मुझे मेरे अंदर है, और पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करते हैं ओ सच्चाई के राह पर चलने के लिए, ओ लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, ओ लोगों को उनका जीवन में वो आशीषित वचन को डालने के लिए, लोगों जो आज मर रहे हैं दुनिया में, जो आत्महत्या करके जा रहे हैं, जो लोग पाप में मर रहे हैं, जो लोग बीमारी में मर रहे हैं, जो लोग गरीबी में मर रहे हैं, जो लोग हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों से सतावट में जा रहे हैं, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए
प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ में पैर में पेंट ठोका गया, यीशु मसीह को मारा गया, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है और अपने लोगों के लिए वो लगातार प्रार्थना करता और कहता, हे मेरा बेटिया, हे मेरा बेटी, लौट आओ, देखो मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुम्हें तुमसे प्यार करता हूँ, देखो तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक शायक को रखा, वो पवित्र आत्मा को, वो जो चाहता है तुम्हें अगुवाई करे, अगर तुम मन फिराएगा तो मेरे पास आएगा, तो वो पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेंगे और दुनिया में चलाएंगे और तुम्हें पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में ज्ञान देंगे और तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम अनाथ नहीं होगे, तुम्हारे साथ वो अगुवाई करेंगे। ऐसे करके परमेश्वर का वचन कहता है, ओ महान प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने अपने अगुओं को नियुक्त किया और उनके द्वारा आज पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार गया कि यीशु मसीह सबसे प्यार करने वाला है, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता, यीशु मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर रहना चाहता है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है और यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया, यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया, यीशु मसीह आशीष देने के लिए आया, यीशु मसीह श्राप देने के लिए नहीं आए हैं। यीशु मसीह चाहता है हर एक जीवन का आनंद हो, हर एक जीवन, हर एक लोग मेल मिलाप से रहे, हर एक लोग परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर चाहता है वो पाप उनके घर में राज न करे, गरीबी राज न करे, वो यीशु के नाम को चाहता है वो सबसे मुक्ति हो जाए और परमेश्वर की महिमा करे। एक दिन अगर तू ये दुनिया को छोड़ेगा, परमेश्वर चाहता है, यीशु ने कहा, जब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए, जब वो घर बन जाएगा मैं आऊंगा, तुम्हें लेकर चला जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुमको भी रखेंगे। इसने बोला, तुम्हारा मन व्याकुल हो तो उदास मत हो, ए मेरे लोग, ए मेरे जन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तो आनंद मनाओ। ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है पूरे दुनिया के लिए। परमेश्वर सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सबको आंसू को पोछने वाला प्रभु यीशु है। अगर आप इस वचन को सुनेंगे, इस पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत की ओर लेकर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता, यीशु मसीह हमें आगे बढ़ाता, वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए आया है, ताकि हम प्रभु में आगे और बढ़े, धार्मिकता में जीवन बिताए, पाप को पहचाने, गरीबी को पहचाने, उससे मुक्ति पाए। यीशु मुक्ति देने के लिए आया और मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु के नाम की महिमा मिले, हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु जी। अगर आप बीमार में हैं, आप यीशु पर विश्वास करें और यीशु पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह आपको बीमारी से छुटकारा करेंगे। अगर आप कमाते, आपके घर में आशीष नहीं आता, आप यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में बरकत करेंगे। अगर आप अपने जीवन से परेशान हैं, आप यीशु पर विश्वास करें, यीशु मसीह आपको परेशानी के लिए मारा गया है, वो आपको यीशु मसीह उस परेशानी से मुक्ति करेंगे। अगर आप अपने जीवन से हार चुके हैं, आपको लगता है कि मेरे रास्ता अब खत्म हो चुका, मेरा जिंदगी खत्म हो चुका, यीशु पर विश्वास करें, यीशु मसीह आपको रास्ता दिखाने वाला है, यीशु मसीह मार्गदर्शन करने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, मेरे घर में बड़ी अशांति फैला हुआ है, तो आप यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह अशांति से मुक्ति करेगा। वो परमेश्वर शांति का दाता है, वो शांति का राजकुमार है, प्रभु शांति देने के लिए आया है। अगर आपको लग रहा है मेरे घर से बीमारी नहीं जा रहा है, मेरे जीवन से नहीं जा रहा है, मेरे परिवार से नहीं जा रहा है, श्राप मुझे दबा के रख रहा है, तो आप यीशु पर विश्वास करें, वो श्राप टूटेंगे, बीमारी भागेगा, गरीबी जाएगा, दुष्ट की शक्ति निकलेगा, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियां छोड़कर जाएगा, आप प्रभु के संतान हो जाएंगे, प्रभु आपका आपको चलाने वाला हो जाएंगे, आप सामर्थ्य व्यक्ति होंगे, आप प्रभु भरोसा करने वाले होंगे, आप प्रभु से डरेंगे, मनुष्य नहीं, मनुष्य को आदर देंगे और आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर आपका जीवन को आशीष करे, फलवंत करे। ये आप सबके लिए, आप सबके लिए सुसमाचार है, यीशु मसीह मर के जी उठा। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, धन्यवाद, हालेलुया, यीशु तेरी महिमा, धन्यवाद देते हैं महान पिता, हम आदर महिमा को देते हुए यीशु के नाम से मांग लेते हैं, ऐसा ही हो, प्रभु।
आशीष करें।